रहने वाले सत्यवान 50 साल के व्यक्ति हैं जो कि अब बोल नहीं पाते लेकिन सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। और अपने घर से किस तरीके से 25 तारीख को निकले थे, अभी तक घर नहीं पहुंचे, महीना होने को आया है और ना जाने कहां चले गए हैं। घर वाले यहां पे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यवान जी के भाई यूपी से यहाँ पे पहुंचे हुए, तस्वीर आप लोगों ने देख ली है। तो आप लोगों को एक बार फिर से इनके परिवार का, इनके भाई का जो है सहारा बनना है, क्योंकि आप ही आखिरी उम्मीद है। एक महीना हो चुका है, ये सत्यवान जी की तस्वीर है, 50 साल इनकी उम्र है और ये जो है बोल नहीं पाते लेकिन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपने इनको कहीं पे भी देखा हो आप जल्द से जल्द सूचना दे सकते हैं। इनकी तस्वीर को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है। हालांकि बताया जा रहा है 25 तारीख को घर से निकले थे, यहाँ पे करनाल में कलंदरी गेट में इनके कोई रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ पर आए हुए थे और इन्होंने 25 तारीख को बोला कि चलो मैं अपने गाँव वापस यूपी जा रहा हूँ। और इनका जो गाँव है वो 25 किलोमीटर जितना पास है, लेकिन उसके बाद भी एक महीना हो गया, 18 नवंबर है, कोई अता पता नहीं है कहाँ पर ये है। और अगर आप इनकी तलाश करते, अगर आपको ये मिल जाते हैं तो आप 50,000 का इनाम भी रखा गया है, जो भी व्यक्ति जो है इनकी तलाश करके इनको जो इनके घर तक सही सलामत पहुंचा देगा। हालांकि सत्यवान जी के भाई यहाँ पर हैं, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर कब घर से निकले थे एक बार बता देंगे? 25 तारीख निकले थे कलंदरी गेट माता जी में। अच्छा, यहाँ किसी रिश्तेदार के घर? हाँ जी, मामा है जी हमारे कलंदरी गेट, वहाँ तक लेटा था जी। अच्छा, तो क्या बोल के निकले थे घर से? मैं एक दिन उन्होंने कहा बोला करो जाऊँ, अपने बोले जाते नहीं कहा सारा कर जाते हैं, मैं रोज जाऊँ अपने घर जाऊँ। कितने बजे की बात होगी? 2:30 बजे की जी, दोपहर 2:30 बजे घर से निकल लिया था। तो उसके बाद कुछ अता पता नहीं है कहाँ गए? ना जी, कोई अता पता नहीं है इसका आज तक। हालांकि आपने पता करने की कोशिश की होगी कहीं बस स्टैंड पे? जी, बस स्टैंड सारे फिर फोटो ला लग रही, हम उसके ये हमारे कम से कम 1,000 लगाए थे जी, दूर दूर लग जी काम है जी। नाम क्या है इनका? सत्यवान है जी। कितनी उम्र है? 50 वर्ष। तो क्या ये बोल नहीं पाते? ना जी, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सुनने समझने में सक्षम है। हाँ जी, सुना समझा जी। तो कहाँ रहने वाले, कहाँ के आप लोग? गाँव पखनपुर। तो हालांकि आपने इनाम भी रखा है? हाँ जी, इनाम भी रखा जी, नाम भी लगा जी, पहला कते जी 50,000। हाँ जी, 50,000 नाम भी लगा जी। हालांकि अब आप एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए, 25 तारीख को घर से निकले हुए हैं और अभी तक इनका कुछ अता पता नहीं है। तो आए अकेले ही थे यूपी से इधर? अकेले, मतलब अकेले चले जाते हैं जी। पुलिस को शिकायत दी है? हाँ जी, पुलिस में एफआईआर कर रखी थी। तो कुछ क्या कह रही है पुलिस? एक महीना होने को आया, पुलिस तो ये कैमरे कुमरे दिखाए थे जी, आज भी कैमरे दिखाए पुलिस ने, यहाँ सारे कैमरे लग रहे जी, कहीं पे कहीं ना जी ना जा ही नहीं। तो कलंदरी गेट के आसपास जहाँ निकले वहाँ कहीं कैमरे हो, कहीं दिखाओ किस तरफ जा रहे थे वो? ना जी, वहाँ तो कैमरे तड़के कलंदरी गेट के हम तस्वीर भी देखेंगे जी, अगर और सारी देख ले पूरे शहर के जी, घोड़ा चौक की भी है सारे। तो सत्यवान जी के परिवार में कौन कौन है? सत्यवान जी में 4 भाई हैं जी। जी हाँ जी, हमारा बाप है और हमारे भाभी हैं जो कि 4-5। बिल्कुल, अब आप लोगों को ये आखिरी सहारा बनना है। सत्यवान जी के भाई हैं जो यूपी से करनाल आए हैं, क्योंकि करनाल में अपने मामा मामी के घर ये आए हुए थे 25 तारीख को बोलते, क्योंकि अकेले आते जाते थे, आए भी अकेले थे। इन्होंने बोला चलो मैं वापस अपने गांव चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद से हैरानी की बात है कि 18 नवंबर हो गई, एक महीना होने को आया, इनका कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस को शिकायत भी दी जाती है, वो बोल रहे ऐसे 1,000 पोस्टर हमने बस स्टैंड पर हर जगह जाके चिपका दिए लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी व्यक्ति जिसने बोला हो कि हमने सत्यवान जी को देखा है। 50 साल इनकी उम्र है लेकिन बात यह कि ये बोल नहीं पाते, लेकिन आप तस्वीरें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, क्योंकि सुनने में अगर आप इनसे बात करेंगे वो पूरी तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। 50 साल उनकी उम्र है, आखिर कहाँ चले गए अचानक से, वो हैरानी की बात है। और अगर आप लोगों को कहीं भी आपने सत्यवान जी को देखा हो तो आप लोग इनको सूचना दे सकते हैं। कोई अपना नंबर बता देंगे जिसपे आपको सूचना दे दी जाए? 2796-9770। एक बार फिर से नंबर बता दीजिए। 90-27-69-57-70। तो नंबर आपको बता दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग सूचना दे सकते हैं। ये भी आपके परिवार के ही लोग हैं? अच्छा, आपके क्या लगते हैं वो? अंकल जी। अंकल हैं। तो किस तरीके से मतलब यहाँ आए थे और फिर कैसे आपको सूचना मिली? जी घूमने के लिए आए थे मामा के जी। हाँ जी, मैंने फोन आया था बिठा दे, मैं जी हाँ बिठा दो आप बस स्टैंड पे। अच्छा, जब उन्होंने बोला मैं निकल रहा हूँ तो कहने लगे नुका मैं अपने आप चले जाऊंगा। अच्छा, अपने आप जाता जाता था बस। तो बस स्टैंड तक छोड़ा नहीं वो घर से? नहीं, वो कहने लगा मैं खुद चले जाऊंगा। अच्छा, लेकिन उसके बाद से कुछ अता पता जी नहीं? आपने बस स्टैंड में पता किया वहाँ किसी ने देखा हो या? कैमरा चेक करा जी हमने तो आई नहीं, कहीं तस्वीरें नहीं आई है।
बिल्कुल, बहुत ही हैरानी की बात है ये। कहीं ना कहीं तमाम परिवार यहाँ पे पहुंचा हुआ है, बच्चे भी परिवार के पहुंचे हैं, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है। 50 साल के अंकल हैं वो व्यक्ति हैं, सत्यवान उनका नाम है, सुनने समझने में बिल्कुल सक्षम है। अगर आपको कहीं भी दिखें तो आप जल्द से जल्द इनका नंबर बता दीजिए, उनके भाई का, आप इनको सूचना दे सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप सोचिए कि वो एक सक्षम व्यक्ति है, खुद आते जाते तो अचानक से वो आखिर ऐसे क्या निकल गए, और ऐसा कुछ तो नहीं है कि परेशान थे या मतलब कहीं खुद से चले गए हो, ऐसा कुछ ना जी ना, कोई परेशान नहीं है। मामा को खूब राजी होगा, राजी होगा जी। घूमने के लिए आए थे, घूमने के लिए आगरा थे जी, कभी आ जाते हैं अपने आप ही। तो देखिए, आपने पहले भी बहुत सारे बिछड़े हुए बच्चों को, बुजुर्गों को परिवार से मिलवाने में सहयोग दिया, एक बार फिर से आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है हमें भी और सत्यवान जी के परिवार को भी। ये तस्वीर देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचानी है ताकि जल्द से जल्द सत्यवान जी अपने घर परिवार से, अपने बच्चों से सकुशल जो है सही सलामत घर लौट के मिल सके, बस यही हम भी कामना करते हैं। और हो सकता है सत्यवान जी कहीं भी होंगे, वो भी इस वीडियो को हो सकता है देख ही रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परिवार काफ़ी परेशान होता नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ जो भी इनको सही सलामत इनके परिवार से मिलवाएगा उनके लिए 50,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। तो अगर कहीं भी किसी ने भी सत्यवान जी को देखा हो तो आप जल्द से जल्द सूचना जरूर दे दीजिए, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पे अपनी कार्रवाई में लगी हुई नजर आ रही है। महीना होने को आया है, यहाँ जो परिवार है वो भी जगह जगह बस स्टैंड पे जगह जगह पोस्टर्स चिपका चुके हैं, लेकिन ना कोई व्यक्ति सामने आया है, ना ही किसी कैमरे की फुटेज में उनकी तस्वीरें कैद हुई हैं जिससे साफ हो पाए, स्पष्ट हो पाए कि आखिर वो गए किस तरफ है। और हैरानी की बात ये कि एक महीना होने को आया, अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। तो इसलिए आप लोगों को अब इनका सहारा बनना है, जल्द से जल्द सत्यवान जी को उनके घर तक सही सलामत पहुँचाना है। भव्य नारंग करनाल, विकी न्यूज़ करनाल।